हेलो गाइस, मैं सलमा आपका स्वागत करती हूँ जे एस एक्सएल इंडिया प्राइवेट चैनल में। दोस्तों, मैं फिर आपके सामने मौजूद हूँ एक न्यू रिलेशनशिप के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तसर घिचा है, तसर सिल्क है, मतलब कि तसर में जो वैरायटियाँ बनती हैं, जो बनती है वो हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, मैं आपको दिखाती भी रहती हूँ और साथ साथ में बताती भी रहती हूँ। चलिए, पहले हम आज स्टार्ट करते हैं तसर कोसा से। तसर कोसा की बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी तो मैं चाह रही थी कि मैं आपको दोबारा से बता सकूँ, तो मैंने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। गाइस, हमने देखा होगा तसर कोसा साड़ी मेरी पिछली वीडियो में, बट मैं आपके साथ मैं फिर दोबारा से डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि जो मेरे न्यू क्लाइंट है उनको पता चलना चाहिए तसर कोसा की क्या चीज़ होती है। तसर कोसा एक तसर का ही होता है, देसी तसर इसे हमें कहते हैं, जैसे देसी खेवा भी इसे बोलते हैं, और एक तसर बाई तसर होती है। आप देख सकते हैं इसकी जो क्वालिटी है, और मैं साड़ी के बारे में बता देती हूँ। ये हैंडलूम प्रोडक्ट होते हैं, तसर प्रोडक्ट होते हैं, सिल्क जितनी भी होती है हमारी। ये देखिए गाइस, ये साड़ी का हमारा पल्लू है, आप देख सकते हैं साड़ी के पल्लू को इस तरह से आएगा ये, और ये इसकी बॉडी आएगी। ये देखिए गाइस, बॉडी आएगी, वो भी नेचुरल कलर की है, कोसा सिल्क है, और इसमें ये वीविंग का वर्क आएगा। आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है किस तरह से, ये नीचे स्कर्ट में आएगा, ये नीचे साइड में आता है, आप देख सकते हैं। और साथ में इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता जे एस एक्सएल, तो क्वालिटी यहाँ पे आपको बेस्ट मिलने वाली है। आप देख सकते हैं क्वालिटी भी इसकी बहुत फाइन क्वालिटी है, और ये बहुत लाइट वेट होती है। ये देखिए अभी मैं, और साथ साथ में आप ये भी नोट कर लीजिएगा, साइड साइड में दोनों तरफ जरी बॉर्डर दिया गया, आपको दिख रहा होगा जैसे कि वीडियो के अंदर। और हम इसमें आपको ब्लाउज बता देते हैं, इसमें जो ब्लाउज आएगा वो रेड कलर का आएगा, इसमें कॉम्बिनेशन लिया गया कंट्रास्ट, जिस भी कलर का इसमें आंचल होता है, कोसा में हम क्या होते हैं कि हैंडलूम पे बनता है, तो जिस तरह की हमारी साड़ी का आंचल होगा उसी इससे मैचिंग का हमारा ब्लाउज इसके अंदर होगा। आप देख सकते हैं इस आंचल को, आंचल की वीविंग का डिज़ाइन है और पूरी आंचल पे, और साथ में ब्लाउज देख सकते हैं, ब्लाउज में भी वीविंग किया गया, ये देख सकते हैं स्ट्रैप का वीविंग किया। ये बॉडी है, बॉडी नेचुरल कलर में कोसा में। ये हो गई हमारी कोसा साड़ी, एक हमारी होती है तो तसर बाई तसर साड़ी, यही साड़ी होती है, क्योंकि ये प्लेन है, इसमें कोई वीविंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें जरी बॉर्डर यूज़ किया गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ जरी यूज़ किया गया, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ये बहुत लाइट वेट होती है। आप कलर देख रहे होंगे कलर किस तरह से आता है, तो कलर जो डिपेंड होता है वो कूकन पर होता है, हम किस कहाँ का कूकन यूज़ कर रहे हैं, आसाम का यूज़ कर रहे हैं, झारखंड का यूज़ कर रहे हैं, किधर किधर का हम कूकन यूज़ कर रहे हैं, तो ठीक है गाइस। बट ये प्योर है, 100% गारंटीड है ये कि प्योर सिल्क है। और ये देख ले, आप देख सकते हैं कि ये प्लेन साड़ी है, मैं आपको सारी वेराइटी दिखाने वाली हूँ आज इसके अंदर। ये प्लेन साड़ी आएगी, और फिर एक हमारी आती है तसर की ही साड़ी है, ये प्योर तसर है, बट इसमें क्या लेते हैं हम कलर बॉर्डर लेते हैं। देखिए गाइस, इसके अंदर जो बॉर्डर आएगा वो साइड साइड में कलर बॉर्डर का आएगा, और आंचल पे भी इसमें कलर आएगा, आप देख सकते हैं साड़ी को। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको जो वैरायटियां दिखा रही हूँ, ये ग्रीन कलर की वैरायटी है जो प्लेन में है, रेड कलर की है जिसमें कलर बॉर्डर है। लीजिए मैं ऐसे कर देती हूँ जो आपको समझ में आएगा। ये देखिएगा गाइस, इसमें एक कलर रेड बॉर्डर में, मतलब बॉर्डर कलरफुल बॉर्डर होता है। एक होता है हमारा जरी का बॉर्डर, जिसे चूड़ी वाला बॉर्डर कहते हैं। जरी में दो तरह के बॉर्डर आते हैं, एक ही हमारा चूड़ी वाला बॉर्डर होता है, आप देख सकते हैं, और एक हमारा जो बॉर्डर होता है वो गैपिंग करके फोर मतलब चूड़ीज होती हैं, मतलब उसमें लाइनिंग होती है, आप देख सकते हैं। एक ये वाला बॉर्डर आता है और एक ये वाला बॉर्डर आता है, इसमें काफ़ी तरह की वैरायटियाँ होती हैं। इन्हीं पे हम क्या करते हैं गाइस, इन्हीं पे हम कलर कर सकते हैं। ये अभी तो मैंने वन कलर में दिखाया है, इसमें आपको डबल कलर मिल सकते हैं, और इसमें बहुत सारे इसमें वर्क भी मिल सकते हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी होता है, या फिर डिजिटल पेंट होता है, ब्लॉक प्रिंट होता है, मधुबनी प्रिंट होता है, काफ़ी सारे प्रिंट होता है, और साथ साथ में इसमें वीविंग का भी काम होता है। तो फिलहाल आपके लिए मैं ये वैरायटियाँ लेके आई थी कि तसर हमारे पास किस किस तरह के थे। चूड़ी वाला आँचल मिल जाएगा आपको, नॉर्मल थ्री स्टेप वाले आँचल मिल जाएगा, कलरफुल आपको आँचल यहाँ पे मिल जाएगा, प्लेन आपको मिल जाएंगी, तसर बाई तसर प्लेन जरी में मिल जाएगी, और आपको कोसा साड़ी मिल जाएगी जो कि वीविंग के साथ होगी, कलरफुल होगी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको कुछ उसमें पूछना है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में मैंशन किया गया, तो सो प्लीज़ आपके लिए ईजी होगा, तो मुझे मतलब मैंशन कर सकते हैं मैसेज, या डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो मैं न्यू न्यू वीडियो, न्यू न्यू टॉपिक आपके लिए लेके आती हूँ, और हाँ थोड़ी बहुत मैं आपको नॉलेज भी दे ही देती हूँ, जो कि मेरे क्लाइंट मुझे शुक्रिया कहना चाहूँगी, जो कि मुझे बोलते हैं कि मैं चीज़ें डिस्क्रिप्शन कर देती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अभी भी आपको कोई क्वेरी हो, कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट डिस्क्रिप्शन में कंपनी का लाइन नंबर मैंशन किया था, वहाँ पर भी क्वेरी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे कलेक्शन देखना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पर भी जा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हैं,
अगर डायरेक्टली आप परचेस करना चाहते हैं सिंगल पीस तो हमारी वेबसाइट पर भी जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो सो प्लीज़ गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, बाय गाइज़।